सामाजिक समरसता, सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द के रंगों से सराबोर होलिकोत्सव का पर्व 19 मार्च 2022 शनिवार को मनाया जाएगा। इसके पूर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक की परंपरा होलिका दहन का निर्वहन 17 मार्च की रात्रि 12:57 के बाद किया जाएगा। यह जानकारी गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने दी है। उन्होंने उत्सव हेतु नियत तिथि की तात्विक विवेचना करते हुए बताया कि इस वर्ष श्री शुभ संवत 2078 संक 1943 में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 17 मार्च गुरुवार को दिन में 1:02 पूर्णिमा तिथि में परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद दिन में 1:03 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो रात्रि 12:57 तक रहेगी। योगी कमलनाथ ने बताया कि चूंकि भद्रा समाप्ति के पूर्व रात 12 से दिनांक बदलकर 18 मार्च हो जाएगा, इसलिए 18 मार्च को रात्रि ब्रह्म मुहूर्त 12:57 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। इसी क्रम में 18 मार्च शुक्रवार के दिन होलिका का मान बना रहेगा। पूर्णिमा तिथि 18 मार्च शुक्रवार को दिन में 12:57 तक बनी रहेगी। शुक्रवार को उदय प्रतिपदा न होने के कारण अगले दिन अर्थात शनिवार 19 मार्च को होलिकोत्सव मनाया जाएगा। योगी कमलनाथ ने प्राप्त मधुमासे तु प्रति पदुदिते रवो शाह का अनुसरण करते हुए बताया कि शास्त्र मत के अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि होने पर होलिकोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष 19 मार्च शनिवार को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा प्राप्त होने पर अंग में विभूति धारण करते हुए रंगोत्सव मनाया जाएगा।